अवेयरनेस डेवलप कर लो गोल और सुंदर गहरी नाभि से एक बटन गलत बन तो ऊपर कुतुब तो तो मीनार बन जाता है अभी काम की बात क्या है तरफ लिख रहे हैं ए बटा बी वो उसी जगह पे है जहाँ रेशो बनता है 1.61 इस धरती पे जब भी कोई प्रकृति संकेत देवे जो फिबोनाची सीरीज को फॉलो करे उसकी योग्यताएं रिपीट करने से क्योंकि तो जो समझ में आ जाए उसमें दम कहां होता है चॉइसेज को सही रखो अवेयरनेस डेवलप कर लो अवेयरनेस मैं कोई भी घटना हो जाती है उसको उसको प्रकृति का इशारा मानता हूं क्योंकि कुछ भी होगा उसका आपके जीवन से गहरा संबंध है गहरा संबंध है अरे बिना कुछ होता ही नहीं है भाई अच्छा इस हॉल में सबसे कम हाइट का व्यक्ति जो अपने आप को मानता है कि हाँ मेरी हाइट कम है एक बार खड़े हो जाइए उधर भैया थे यूपी वाले वो खड़े हो जाइए हाँ आप आ जाइए और सबसे लंबा इस हॉल में सबसे लंबा आ जाओ आ जाओ अरे दोनों साथ बैठे हो आ जाओ आ जाओ ये अच्छा हो गया आ जाइए आ जाइए मैं इतना सेंसिटिव हूं भाई कि मैं प्रकृति में कुछ भी ऐसा यूनिक देखता हूं ना तो मेरे से रहा नहीं जाता मैं बहुत अवेयर हूं मेरी जागरूकता बहुत सेंसेटिव है और यह बढ़ती जा रही है आपकी भी बढ़ सकती है राजेंद्र जी भाई साहब ना वेरी गुड ये भाई साहब की हाइट और इनकी हाइट में फर्क है कि नहीं <laughs> लेकिन कुछ भी अधूरा है क्या अधूरा नहीं है प्रकृति में जब भी जीवन में कुछ सिद्धांतों को पढ़ोगे तो बड़ी अवेयरनेस आएगी मैं हमेशा ही देखता था इतना सा बच्चा भी खूबसूरत लगता है बड़ा आदमी भी खूबसूरत लगता है प्रकृति में फूल पत्तियां सब खूबसूरत लगती है साला लफड़ा क्या है क्या लपड़ा क्या है ऐसी अवेयरनेस आई कि मेरे को घनगोर इच्छा हो गई कि प्रकृति में कुछ है यार ज्योमेट्री में कुछ भारी है, है 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 ऐसा सोचते 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 जब मेरी आयु उनतीस बरस हुई उन्तीस बरस की आयु में मुझे एक ऐसा लेसन मिला हजारों वर्षों पहले भारत ने जिस ज्ञान की खोज कर ली थी वो विलुप्त हो गया जब आक्रमण हुए इस देश पे लेकिन आज से 1200 साल पहले एक व्यक्ति इटली का रहने वाला जिसका नाम था लियोनार्डो फिबोनाची उसने पूरे वर्ल्ड को एक थ्योरी दी उसने एक सीरीज दी कि गणित की जिंदगी का गहरा असर है हमारे जीवन पे गणित के अंकों से हमारे जीवन का गहरा संबंध है उसने कहा एक सीरीज है प्रकृति में सीरीज है जीरो और वन इसके ऊपर कंप्यूटर बनता है इसके ऊपर बाइनरी सीरीज बनती है और जीरो और वन के ऊपर पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स टिकी हुई है अब मैं आपके साथ प्रयोग करता हूं फिर भाई साहब पे बाद में आता हूं जीरो वन इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा तो तीसरी संख्या क्या आ गई वन अब पिछली दो को जोड़ो एक और एक तो अब कौन सी संख्या आ गई दो अब पिछली दो को जोड़ो दो और एक अब पिछली दो को जोड़ो तीन और दो अब पिछली दो को जोड़ो सात अब पिछली दो को जोड़ो पिच, नो पांच और सात बारह बारह अब पिछली दो को जोड़ो उन्नीस अब पिछली दो को जोड़ो गड़बड़ कर दिया आपने गड़बड़ कर दी सही चल रहा है पांच और तीन एक बटन गलत बन तो ऊपर कुतुब मीनार बन जाता है दोबारा 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 जीरो वन तो तीसरी संख्या अब पिछली दो को जोड़ते जाओ इतनी गणित तो सबने पढ़ी है पने, दूसरी तो चौथी तक तो सबने पढ़ी है ना भाई एक और एक दो, दो और एक तीन और दो पांच और तीन आठ और पांच तेरह और आठ इक्कीस और तेरह इसको जोड़ते जोड़ते अनंत तक चले जाओ ये तो कोई भी कर सकता कंप्यूटर पे। अभी काम की बात क्या है हर अगली संख्या में पिछली का डिवाइड करो हर अगली संख्या में पिछली से डिवाइड करो तो जो रेशो आता है वो है 1.618 हर संख्या में तो प्रकृति में फिबोनाची ने नकार भाई सुनो इसे गोल्डन रेशो कहा जाता है इस विश्व की फूल हो पत्ती हो गैलेक्सी हो चाहे कोई भी ऐसी ज्योमेट्री हो उसकी सुंदरता तब बनती है जब वो गोल्डन रेशो में हो गोल्डन रेशो है 1.618 और अनंत तक चलते जाओ 1.61 ये तो रेशो समझ में आया अब मानव शरीर को देखो ये भी गोल्डन रेशो में इसलिए खूबसूरत लगता है एग्जाम्पल के लिए जैसे राजेंद्र जी भाई साहब की एक हाइट यहां से लेके वहां तक है इसको अपन मान लेते हैं लगभग कितनी छपिट मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए है तो छह पॉइंट एक के आसपास छह मान लेते हैं अब ये गोल्डन रेशियो में क्या है एक फार्मूला लिखो 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 गणित तो थोड़ी आज सिखाऊंगा आपको गणित अवेयरनेस जागेगी नहीं ऐसे लिखो कैल जी लिखो ए बटा बी।, बी बी बराबर ए प्लस बी बटा ए दोबारा दोबारा एक तरफ लिख रहे हैं ए बटा बी क्लियर है फिर ये बराबर अब इधर लिखना है ए प्लस बी बटा ए अब आपको मान मानकाय का चाहिए एक तो ए का और एक बी का जैसे राजेंद्र जी भाई साहब को अगर मैं नापू यहां से लेके यहां तक छह पेट तो ये नाभी के बाद से यहां से गोल और सुंदर गहरी नाभि से ऊपर का हिस्सा वो मैंने एक बार शर्ट टैंक देखा था ना तो उसमें एक प्रोडक्ट आया था गोल सुंदर गहरी नाभी का प्रोडक्ट तब से मैं जब भी नाभी बोलता हूं तो गोल सुंदर गहरी नाभी आ जाती यहां से ऊपर बी है और यहां से नीचे ए है समझ में ए का मान और बी का मान दोनों को आएगा कि नहीं आएगा तो बडी में छोटी का भाग देंगे तो एक संख्या आएगी इनको घर जाके पूरा नाप लेना अपने आप को आप इससे ऊपर का नाप लेना बी इससे नीचे का नाप लेना ए तो अब ए बटा बी आ जाएगा इधर ए प्लस बी आ जाएगा और बटा ए आपको पता ही है ये दोनों का जो रेशो आएगा वो आएगा 1.61 तो ये भी 1.61 में है वन में 1.61 में भी होता तो भी 1.61 में की पेंटिंग भी में, इस दुनिया की हर एक प्रकृति में जो भी गोल्डन रेशो पाया जाता है वो है 1.61 पॉइंट सिक्स वन ये है फिबोनाची टेक्निक फिबोनाची सीरीज इस जगत में जो भी चीज इस सीरीज में बनती है अब ये बात मैंने क्यों बताई अगर मैं अवेयर नहीं होता तो मैं आज आपसे गोल्डन रेशियो की बात कर पाता क्या थैंक यू सर आप दोनों पधारिए, घर जाके नाप चौक कर लेना मैंने जो बोला वो सही है बिल्कुल आपको पता है जो मोबाइल होता है ना मोबाइल उस मोबाइल में आपका मोबाइल निकालो और उसमें जो पावर का स्विच है ना वो उसी जगह पे है जहाँ रेशो बनता है 1.61 और भी और चलते हैं ये पूरा शरीर है ना अगर इस पूरे शरीर को भी आप अलग अलग डायमेंशन में जाओ जैसे इस हाथ को लेना है यहां से यहां तक तो पता है ये बी है ये ए है और इन दोनों का रेशो है वो ही वन पॉइंट सिक्स वन फिर यहां से यहां तक ले लो तो यहां से ए है ये बी है और दोनों का रेशो है वन पॉइंट सिक्स वन बाहरे तो मैंने ये क्यों स्टडी किया क्यों घेरे में किया मेरे लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं जन्मा हूं इक्कीस तारीख को और इक्कीस फिबोनाची सीरीज में वर्ड आता है इस धरती पे जब भी कोई प्रकृति संकेत देवे जो फिबोनाची सीरीज को फॉलो करे वो बहुत गहरा है और दो लाख दस हजार में भी इक्कीस आता है दो दस वो भी फिबोनाची सीरीज है हर चीज के पीछे कारण है फिर मैंने मेरा अपना सिग्नेचर चेक किया कितने लोगों ने मेरा सिग्नेचर देखा हुआ है देखा हुआ है हाँ मैंने मेरे सिग्नेचर को देखा अब पहले तो जागरूक था ही नहीं जागरूकता आई तब मेरे को बहुत लोगों ने कहा सर आपका सिग्नेचर बहुत यूनिक है बहुत अच्छा लगता है 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 फिर मुझे पता चला मानव का फॉलो फॉलो करता है, रेशो करता है, मैं करता गोल्डन मैं सिग्नेचर हूं अब मैं जहां से यू करता हूं ये ए और बी का 1.61 फॉलो करता है जाने अनजाने में मुझे कोई प्रैक्टिस पहले पता नहीं थी मैं एक चीज समझ गया इस प्रकृति में जो प्रकृति के प्रति अवेयर हो जाएगा उसकी जागरूकता ग्रो करेगी उसकी योग्यताएं रिपीट करने से बढ़ेगी और उसकी राइट चॉइसेज उससे कैपेसिटी डेवलप होगी आपको पहला बिंदु समझ में आया और मैं भी ये चाह रहा हूं कि आपको समझ में नहीं आए क्योंकि जो समझ में आ जाए उसमें दम कहां होता है ये दम वाली बात है टाइम लगेगा बस अब एक चीज समझ लेना जागरूक रहो रिपीट करो और चॉइसेज को सही रखो पहला पॉइंट समाप्त हुआ